तो हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, कुछ बच्चे बार बार यही पूछ रहे हैं कि इंटरनल एग्जाम्स देना कंपलसरी है क्या, और अगर इंटरनल एग्जाम्स नहीं देंगे तो हम फेल होंगे कि पास होंगे। और तीसरा सवाल ये है कि सर, मेरा लास्ट ईयर का बैक पेपर मतलब कि सबली पेपर है, तो क्या मुझे उसका इंटरनल एग्जाम देना पड़ेगा? तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। सबसे पहले भाइयों और बहनों, पहला बात है कि देखिए, 80 में आपको 24 लाना रहता है और इंटरनल में आपको 06 मतलब कि 6 मार्क्स लाना रहता है मिनिमम। और वो 6 मार्क आपको तभी मिलता है जब आप एटलीस्ट एग्जाम के लिए अपीयर करोगे। तो अगर आप अपीयर नहीं करोगे वो 6 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो आपका जो पेपर है वो फाइनल पेपर आप दे सकते हो, लेकिन आपका पेपर जो है वो सप्ली हो जाएगा। फिर अगला बार आपको ओनली इंटरनल देना पड़ेगा, क्लियर? पहला बात। दूसरा बात, जिन बच्चों अगर इंटरनल नहीं देंगे तो क्या होगा बता तो दिए, नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, खेला हो बे आबार, खेला हो बे आबार, आगे बो छोरो यही समय है परीक्षा दी तो हो बे। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज कि जिन लोगों का बैक पेपर है उन लोग के लिए इंटरनल कंपलसरी है क्या? माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, अगर आपका बैक पेपर है तो आपको इंटरनल देना ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल कुछ कुछ कॉलेज इंटरनल का नोटिस उन लोग के लिए भी दे रहे हैं। तो एक बार प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि बेटर होगा आप अपने कॉलेज से पूछ लीजिएगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो आई होप आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया कहीं भी तो यू कैन ज्वाइन फॉर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, इतना कम फीस, या फिर कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी ट्यूशन आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।